everyone, welcome back to my channel. I'm back with another video and today's video is going to be about this makeup look right here. This is super glam Indian Diwali appropriate kind of a makeup look. So without further ado, let's directly dive into the video. And yeah, this video is going to be a talk through video. So mujhe aap logo se bahut sari baatein karni hai. So please keep on watching and agar video pasand aaya to mere channel ko subscribe aur video ko like zarur kariyega. So let's start. Hi everyone, so excuse my hair, okay, because I'm suffering through extreme hair loss post dengue jo hair loss hota hai. Abhi mera wahi face chal raha hai, it called telogen effluvium, yeah. So isliye main apne hairs ke sath bahut zyada experiment nahi kar rahi, because you guys cannot imagine that how much hair fall I'm getting. And मैं प्राइमर सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ. प्राइमर के लिए मैं बेका का बैकलाइट प्राइमिंग फिल्टर यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ माय फेवरेट, आई मीन न्यू फेवरेट. और ऑफ कोर्स दिस गिव्स अ ब्यूटीफुल यू नो शाइन अंडरनीथ द फाउंडेशन, तो इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. सो या आई वाज टॉकिंग अबाउट हेयर लॉस, राइट. तो अभी आई एम गेटिंग एक्सट्रीम हेयर लॉस. आई मीन मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड करूँगी सो यू कैन सी. बंच में मेरे बाल निकल रहे हैं अभी एक्सट्रीम. पहले व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग हेयर फॉल वो थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा था, बट नाउ इट वेंट ऑन एक्सट्रीम लेवल. एंड मुझे तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है दैट हाउ आई शुड स्टॉप इट, कैसे रोकूं, क्या करूं, बिकॉज ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने बोला है कि दिस इज़ गोइंग टू स्टॉप ऑन इट्स ओन. ये सारे बाल वापस रिकवर हो जाएंगे, आई मीन दे विल ग्रो बैक आफ्टर दिस फेज गेट्स ओवर. तो आई थिंक दिस इज गुड. अभी हम लोग फाउंडेशन की तरफ चलते हैं. सो यू कैन सी, आई मीन कितना ज़्यादा दिस इज़ द वन थिंग यू नो विच आई हैड बहुत अच्छा. मेरे हेयर्स पहले से बहुत अच्छे थे, टच वुड, बट नाउ आई एम फेसिंग एक्सट्रीम हेयर लॉस. इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है ना दैट इट गेट्स यू नो डिप्रेसिंग आफ्टर सम टाइम. व्हेन यू सी बंच में अपने बाल निकलते हुए तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग ना, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है. सो मैंने फाउंडेशन के लिए ये टू फेस्ड का फाउंडेशन और बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन मिक्स करके लगा रही हूँ, माय ओल्ड फेवरेट. बहुत दिन हो गए थे मुझे ये कॉम्बिनेशन यूज़ किए एंड आई फॉरगॉट हाउ मच आई लव दिस कॉम्बिनेशन. दिस गिव्स मी ब्यूटीफुल फिनिश, फ्लॉलेस, एकदम ग्लोई सा बेस देता है ये. सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसको. सो डेंगू जब मुझे हुआ था ना, इट वॉज़ एक्सट्रीम, इट वॉज़ रियल एक्सट्रीम. आई वॉज़ वेरी सीरियस. सो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब ठीक होने के बाद आफ्टर एक दो महीने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी. सो मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि आई एम गोइंग टू सफर थ्रू एक्सट्रीम हेयर लॉस और वो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है मेरे लिए. सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का. एंड अभी मुझे लग रहा है दैट 50% या 50% ऑफ माई हेयर्स हैज़ ऑलरेडी बिन फॉलन. आई मीन मेरे इतनी डेंसिटी, मेरी टचवुड पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि इतना ज़्यादा अभी आपको कैमरे पे नहीं दिख रहा होगा, बट मेरे काफ़ी बाल जो हैं वो मतलब आधे बाल, दिस इज बालों में फाउंडेशन लगे. सो मेरे आधे बाल तो मेरे स्कैल्प से निकल चुके हैं या और एक दिन में मुझे लाइक आपने पिक्चर तो अभी देखी होगी कितना हेयर फॉल हो रहा है. एक दिन में मुझे थाउजेंड हेयर्स निकल रहे हैं मेरे, नॉट 100, नॉट 300, नॉट 500, थाउजेंड. एंड ये काफ़ी डिप्रेसिंग है, ऑनेस्टली बहुत डिप्रेसिंग है. जब आप देखते हो ना बंच में अपने बाल निकलते हुए, इट हर्ट्स सो बैडली. आई वॉज द पर्सन हु नेवर हैड फेस्ड एक्सट्रीम हेयर लॉस. मतलब होता था हेयर लॉस, थोड़ा बहुत हेयर फॉल हियर एंड देयर, सीजनल होता था, बट इतना एक्सट्रीम लेवल पे मुझे कभी भी हेयर फॉल नहीं हुआ है, मेरी लाइफ में नहीं हुआ है. एंड नाउ व्हेन आई एम फेसिंग इट, इट फील्स डिप्रेसिंग, टू मच डिप्रेसिंग. ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ नॉट अ नाइस फीलिंग. एंड समझ ही नहीं आ रहा है कि
कब खत्म होगा, आई एम जस्ट वेटिंग कि भाई जितने खत्म होने हैं ना, जितने टूटने हैं टूट के हट जाओ यार, बिकॉज इट हैज़ बीन 3 months, मोर देन 3 months सिंस आई एम फेसिंग दिस इशू. पहले तो 1-2 महीने तक थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन अब तो हद हो गई है. फिर यू नो मैं अपने आप को कंसोल कर लेती हूँ ये सोच के कि नो यू आर गोइंग टू बी ओके, सारे के सारे बाल वापस आएंगे. एंड कुछ तो वापस आ भी रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. आई मीन आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट छोटे छोटे टाइनी बेबी हेयर्स ऑलरेडी मेरे स्कैल्प पे आ गए हैं, जितने टूट भी रहे थे. बट यार फिर भी एक डाउन टाइम तो आएगा ना, एक डाउन टाइम तो फेस करना पड़ेगा विथ दिस थिन हेयर. आई मीन डेंसिटी कम है, वॉल्यूम कम है, एंड इतने ब्रिटल हो चुके हैं ना मेरे बाल, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं. लेट्स होप कि जल्दी ये फ्रेज ख़त्म हो और आई कैन यू नो लिव अ नॉर्मल लाइफ. इसी वजह से मैं कहीं भी आ जा नहीं पा रही हूँ, मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है. इसी वजह से मैं सोच रही थी कि एक बार ये फेज ख़त्म हो ना यार, तो मैं कुछ कर पाऊँ अपने बालों के लिए. या सो मैं मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर ले रही हूँ, और इससे मैं अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी एंड अंडर द आईज़ को भी. सो इसमें ज़्यादा कुछ एज ऑफ तो मैं कर नहीं सकती. सो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था दैट आई हैव टू यू नो कीप माई डाइट अप टू डेट एंड अप टू द मार्क. सो मैं अपने डाइट में बायोटिन रिच और प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा ले रही हूँ, बिकॉज जो बाल गिरने हैं ना दे आर गोइंग टू फॉल. बालों को गिरना तो मैं नहीं रोक सकती, बट हाँ जो नए हेयर्स आएंगे उनकी हेल्थ पे अब मुझे फोकस करना है. मुझे बालों के फॉल आउट पे फोकस अब करना ही नहीं है. डॉक्टर ने मुझे साफ बोल दिया है दैट जितने फॉल होने हैं वो होंगे ही होंगे. लाइक एज माई स्किन रिन्यूड मेरे बाल भी रिन्यू होंगे. तो या मेरी स्किन पील कर रही थी पूरे बॉडी की, पूरे हाथ पैर सब जगह की, तो यस मेरी पूरी स्किन पील होके नई स्किन आई है पूरे बॉडी पे. तो लाइकवाइज मेरे बाल भी पूरे या 60% एटलीस्ट शेड होंगे, और उसके बाद पूरे नए हेयर्स जो है वो ग्रो बैक होंगे. सो इसमें ये नहीं है, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट हेयर लॉस, दिस इज़ अ टेम्परेरी हेयर लॉस जिसमें बाल वापस आ जाते हैं. सो ऑल आई हैव टू डू इज़ मुझे अपने बालों की हेल्थ पे ध्यान देना है रदर देन यू नो फोकसिंग ऑन अ हेयर लॉस. तो वही मैं कर रही हूँ अभी. लेट्स सी एंड लेट्स होप कि सही हो जाए, जल्दी ख़त्म हो. आई मीन दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल लाइफ, राइट? ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल लाइफ ये नहीं बोल सकते इसको. देर इज़ अ डाउन टाइम, डिप्रेसिंग है, काफ़ी डीमोटिवेटिंग है एक्चुअल में. यू नो आपका सारा कॉन्फिडेंस एकदम बैकस्टेज चला जाता है. यू फील वेरी कॉन्शियस एंड कहीं भी बैठना भी यू नो इट्स लाइक अ थिंग. सो कहीं बैठती भी हूँ ना मैं, तो वहाँ पे भी 4-5 बाल तो ऐसे ही गिर जाते हैं. मेरे घर में, पूरे घर में सबको डेंगू हुआ था. हमारे एरिया में डेंगू काफ़ी फैला हुआ था उस टाइम. वो मेरे घर में जिसको जिसको डेंगू हुआ है सबको हेयर फॉल हो रहा है, बट मेरा कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो रहा है. और मे बी आई हैव अ लॉन्ग हेयर्स, तो उस वजह से वो ज़्यादा बंच में दिख रहा हो, आई डोंट नो. बट बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा हो रही है. एंड ऑफकोर्स ये डाउन टाइम तो फेस करना ही है मुझे. इसके लिए आई एम समवॉट वेरी मच प्रिपेयर्ड. और सी दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, मेकअप करना इज़ समथिंग आई एन्जॉय अ लॉट. आई मीन पता है मुझे मेकअप करना, मुझे ड्रेसअप होना बहुत पसंद है. एंड राइट नाउ ये कोई भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है. आई एम यू नो गोइंग थ्रू दैट कंडीशन जिसमें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. तो मैं हुडा ब्यूटी के पैलेट ले रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली फेस्टिव सीज़न है तो मुझे वॉर्म अर्दी टोन्स ज़्यादा चाहिए. क्रीज में मैं ये शेड अप्लाई करूँगी, ये वाला. आई होप यू कैन सी, ये बहुत ही लाइट ब्राउन, न्यूट्रल ब्राउन शेड है, तो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है यू नो ट्रांजिशन शेड के लिए. व्हाट आई वाज सेइंग,
अच्छा सा ट्रांजिशन ऐड करेगा ये. ओके सो ये फेस्टिव लुक ना मैं बहुत ही न्यूट्रल रखने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ, बिकॉज मुझे ना आई एम समवन यू नो हु एन्जॉयज़ अलॉट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम मेकअप में तो नहीं लगाने वाली. अब एक ये शेड डाला मैंने अपनी आँख पे, आई मीन क्रीज पे. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द डार्कर वन. अभी मैं ये शेड ले रही हूँ सेफ्रॉन ओड, दोनों को मिक्स कर रही हूँ बिकॉज, और इसको मैं क्रीज आउटर क्रीज से लेके इनर पार्ट तक हल्का सा लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं प्लेस करूँगी. या लाइक दिस, और पूरी उस पर आईलिड पे एक वॉश दे दूँगी लाइक सो. Now it looks better. Now I'm taking a shader brush और उससे मैं ये वाला shade ले रही हूँ Angelic. Place करूँगी. I'm going to use my fingers because brush से बेहतर application नहीं आ पा रही थी. और उसको मैं top करूँगी इस shade से. Yeah. This is also very festive kind of a color. तो अच्छा लगेगा ये. इसको मैं सेंटर में प्लेस करूँगी लाइक सो. सो यू कैन सी अच्छा लग रहा है. इसको मैं पिक करूँगी और अपने लोअर लैश लाइन पे स्मोक करूँगी लाइक सो. या लाइटेस्ट शेड लूँगी पैलेट में से. बहुत ज़्यादा चंकी ग्लिटरी नहीं है बट लाइट इनफ, तो उसको मैं इनर कॉर्नर अपने जो हैं उससे हाईलाइट करूँगी. मैं हाथ से ही कर लेती हूँ और ब्राउ बोन पे लगाऊंगी. नाउ मेन थिंग इज आईलाइनर, बिकॉज आईलाइनर इज सच अ ग्रेट स्टेप. उससे ना आईज बहुत अच्छे से लिफ्ट हो जाती हैं, पूरी ओपन हो जाती हैं, बहुत ही वाइड लगती हैं. सो आज मैं आइकॉनिक लैक्मे का आइकॉनिक आईलाइनर ले रही हूँ. दिस इज़ अ लिक्विड आईलाइनर. वैसे मैं नॉर्मली जेल लाइनर लगाती हूँ बट लेट्स सी हाउ दिस परफॉर्म्स. ओके थोड़ा डार्कन करूँगी, थिक बनाऊँगी इसको. ओके आई गेस नाउ इट्स, ओह माय गॉड ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जा रहा है. I'm going to go with you know pencil liner lower lash line में, because आँखों में काजल ना बहुत अच्छा लगता है इंडियन आइज पे, इंडियन आउटफिट पे लाइक सो. थोड़ा सा मैं ओट शेड और ले रही हूँ और इसको मैं ना थोड़ा स्मोक आउट अच्छे से करूँगी ताकि वो अच्छा लगे आँखों में. ग्रेट इट लुक्स ग्रेट लाइक. अभी मैं हुला ब्रॉन्जर ले रही हूँ बेनिफिट का और उससे मैं ना नोज कॉन्टोर के लिए मैं छोटा ब्रश ले रही हूँ. ये एंगुलर आई शेडो ब्रश है बट इससे ना नोज कॉन्टोरिंग इतनी प्रिसाइज और इतनी क्रिस्प होती है ना कि नोज बहुत अच्छा लगता है मेरा इससे. सो दिस इज़ अ परफेक्ट फॉर माई नोज कॉन्टोरिंग और मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ बाय रियल टेक्निक्स. मैंने रियल टेक्निक्स का एक पूरा पैक खरीदा था, सेट खरीदा था, तो उसमें ये आया था एंड तब से आई एम यूजिंग इट ओनली फॉर यू नो माई नोज़ कॉन्टोरिंग. और मैं आई शेडो में इसको बिल्कुल भी नहीं लगाती बिकॉज ऑब्वियसली उसके बाद ये टिंट हो जाएगा तो नाक पे भी सारे आई शेडो के शेड्स आ जाएंगे. लेकिन मुझे जब क्विक करना होता है ना लाइक ब्रॉन्जर, मुझे थोड़ा सा हल्का सा आईज पे भी कॉन्टोर करना होता है तो मैं ये लगा लेती हूँ, तब ये अच्छा लगता है. अभी मूविंग ऑन टू द ब्लश, मैं टिंट यूज़ कर रही हूँ
ये ना थोड़ा लास्ट ज़्यादा करता है. सो एक यहाँ पे अप्लाई करके उसके बाद वी विल टच अप दूसरी तरफ. ओह माय गॉड, दिस इज एक्सट्रीम. ओह माय, कोई बात नहीं, सेटल डाउन तो हो ही जाएगा थोड़ी देर में. तो मैं उसको ब्लेंड कर दे रही हूँ. फाउंडेशन स्पंज है तो इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा था फाउंडेशन, उससे थोड़ा ना ये पिक हो गया कलर. नाउ इट्स ओके, ना थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो गया. ये बेका का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मैं, बिकॉज दिस इज़ ब्यूटिफुल. मतलब इतना सॉफ्ट और यू नो नेचुरल फिनिश देता है ये. आई एम जस्ट फैन ऑफ दिस हाइलाइटर. क्या विद इन काइंड ऑफ अ ग्लो प्रोवाइड करता है ये, बहुत ब्यूटीफुल लगता है. और मैं अपने हाई पॉइंट्स लाइक नोज और ये सब को हाईलाइट करूँगी. सो या गाइज, दैट वॉज द रीज़न आई मीन एक्सट्रीम हेयर फॉल और ये सब से मैं गुजर रही हूँ अभी. इसी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाती, बिकॉज पता है मैं जब भी जिस दिन भी सोचती हूँ ना कि चलो आज मैं वीडियो शूट करूँगी, हेयर वॉश और ये सब करके निकलती हूँ, बट इतना ज़्यादा बाल बाल देख के ना एकदम मन ही वो हो जाता था, एकदम गंदा नहीं होता है एक मोटिवेशन और सब कुछ एकदम यू नो इन द ड्रेन, कुछ हो ही नहीं पाता था मुझसे. अभी लिपस्टिक के लिए मैं ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ माई करंट फेवरेट एंड ये बहुत अच्छा शेड है. ओ एम जी, दिस इज़ 02 सॉफ्ट वाइन फ्रॉम मेबलिन्स कलर सेंसेशनल लिक्विड मैट. बहुत अच्छी क्वालिटी है. मैं फटाफट से फॉल्स लैशेज लगा के और अपनी ड्रेस चेंज करके आप लोगों के सामने अभी आती हूँ. ओके,